शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म स्नैक्स मिल जाए तो क्या कहने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक यूनिक सा स्नैक्स ब्रेड के साथ। तो ब्रेड के साथ मैंने काफ़ी स्नैक्स बनाए हैं और मेरी रेसिपी मेरे चैनल पर भी है, तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं ये यूनिक सा बहुत प्यारा सा स्नैक्स बनाने वाली हूँ जो बनाने में बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं दो उबले हुए आलू, और इन आलू को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बहुत छोटे क्यूब्स में हमें काटने हैं। तो ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो सभी आलू को हमने क्यूब्स में काट लिए हैं। अब एक पैन को गरम करते हैं और उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गरम हो जाए तो 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक और 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल देंगे। अदरक हरी मिर्च को कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे, और अब हम 2 टेबल स्पून स्लाइस किए हुए अनियन डाल देते हैं। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ हमने लिया है गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, तो इन्हें भी हमने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, और गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। तो इसे भी आप डाल दीजिए पैन में, और अभी हमें फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हम इसे 1-2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। फ्लेम लो मत कीजिएगा क्योंकि इनका क्रंचीनेस चला जाएगा। तो हाई फ्लेम पर हम सॉटे कर लेते हैं इसी तरह से। चलिए कुछ और चीज़ें मिलाते हैं। हम मिला देंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप और 1 टीस्पून चिली सॉस, और सॉस में चूंकि नमक होता है तो उस हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है मिक्सचर। अब हम कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देते हैं, और साथ ही हम मिला देते हैं 1 टीस्पून सोया सॉस। तो बड़ा अच्छा सा ये कॉम्बिनेशन है सॉस का, तो हमारी रेसिपी में बहुत अच्छा मज़ा देगा। अब इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम ले लेंगे ब्रेड के पीसेस। हमने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ब्रेड के हमने 10 पीसेस लिए हैं। अब हम 2 ब्रेड इकट्ठे उठाते हैं और इनको बेल लेंगे, यानी कि रोल कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा कि ब्रेड फ्रेश होना चाहिए। अगर ब्रेड फ्रेश नहीं रहेगा तो बेलने में दिक्कत आएगी और किनारे इधर उधर से निकलने लगेंगे। तो ये देखिए, ये ब्रेड को हमने बड़ी आसानी से बेल लिया है। एक साइड थोड़ा सा हमें लग रहा है तो इधर भी हम दबा देते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से दोनों ब्रेड चिपक के बिला गए हैं। अब हम एक शार्प एज का ग्लास या एक कटोरी ले लेंगे, उससे कट कर लेंगे। राउंड शेप निकालना है, ये देखिए इस तरह से राउंड शेप हम निकाल लेंगे। और जो बच गया है लेफ्ट ओवर स्लाइस, उसका हम ब्रेड क्रम बना सकते हैं या कोई रेसिपी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगी कि बचे हुए ब्रेड का क्या करेंगे। अब ले लेंगे हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा, और थोड़ा सा पानी मिला देंगे। अब एक स्लरी बनाना है हमें, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पतली, मीडियम टेक्स्चर की, मीडियम कंसिस्टेंसी की एक स्लरी बना लेते हैं। ये देखिए इतना ही सा, और हाँ इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो स्लरी बना के एक साइड रखते हैं, और अब हमने जो डिस्क बनाए थे ना ब्रेड के, एक एक करके लेते हैं। एक डिप करेंगे कुछ सेकंड के लिए और फौरन ही निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये हमारा ब्रेड का पीस सॉगी हो जाएगा। उसे निकाल लेते हैं। अब हमने लिया है 1 बाउल में ब्रेड क्रम्स, तो डिस्क को डाल देते हैं ब्रेड क्रम के ऊपर और ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे चारों तरफ से। और हाँ, सूखे हाथ से कीजिएगा, सूखे हाथ से ब्रेड क्रम लगाइएगा वरना हाथों में चिपक जाएगा ब्रेड क्रम्स, इसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए कितना अच्छी तरह से कोट हुआ है, इसी तरह हमें कोट कर लेना है। तो सभी डिस्क को हम कोट कर लेते हैं और इसे फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए।
जब तक हम कुछ काम कर लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम करते हैं, 1-2 चम्मच, और उसमें हमने आलू के जो क्यूब्स बनाए थे ना उसे फ्राई करेंगे थोड़ा सा गोल्डन होने तक, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सा मज़ा अच्छा हो जाएगा। चुटकी भर हम नमक डालेंगे। ये देखिए गोल्डन गोल्डन हो गए हैं आलू के क्यूब्स, तो उसे बाहर निकाल लेते हैं एक साइड। अब एक कढ़ाई गरम करके तेल गरम करते हैं मीडियम हॉट, और अब इन डिश को हम फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक। तो तेल बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो हमारे डिश बहुत ज़्यादा तेल पीना शुरू कर देंगे, यानी ब्रेड हमारा तेल पीना शुरू कर देगा। ये देखिए तलते ही इसमें हवा भरने लगी बीच में, ये फूलने लगे हमारे ब्रेड के पीसेस। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम कचौड़ियाँ तल रहे हैं, और कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। और बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई भी नहीं रखना है ताकि बाहर से जलने ना पाए, यानी मीडियम फ्लेम पे हमें डिश को तल लेना है। तो हमारी कढ़ाई जिस साइज़ की थी उस हिसाब से हमने 2 पीस डाले हैं, आप चाहिए तो बड़ी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना फूल के कुप्पा गोल मटोल सा ये हो गया है, पूरी हवा अंदर भरी हुई है। तो बस इतना ही हमें करना है, और एक नाइस कलर आ गया है तो बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरे बैच को डालते हैं तलने के लिए। चलिए हमारे डिश तैयार हो गए हैं तो फ्राई हो करके। इधर हम क्या करेंगे कि एक सॉस बनाएंगे, उसके लिए हम 2 टेबल स्पून मेयोनेज़ सॉस लेंगे, और उसमें हम मिला देंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, थोड़े से मिक्स हम मिलाएंगे, सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सॉस बनके तैयार हो गया। मेयोनेज़ की वजह से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इसको एक साइड रखते हैं। अब ये लीजिए हमारे डिश भी, यानी कि ब्रेड डिश भी तैयार हो गया। हम बीच में से कट कर लेंगे। हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पॉकेट्स, तो हमारे पॉकेट्स बनेंगे कट होने के बाद ही। ये देखिए कितना प्यारा पॉकेट बना है कि अनबिलीवेबल, बहुत खूबसूरत। तो ये हमारा ब्रेड पॉकेट कितना अच्छा लग रहा है। तो पॉकेट के अंदर हम 1 टीस्पून डाल देंगे जो अपने सॉस हमने अभी बनाया था ना, तो उसे डालते हैं। इसी तरह सभी पीसेस में लगा लेंगे। अब हमें लेना है लेटस लीफ। अगर लेटस लीफ नहीं है तो कैबेज के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो मैंने कैबेज के पत्ते ही को लिया है। तो कैबेज के पत्ते को एक साइड रख के, और उसमें हम अपना वेगी का मिक्सचर डालेंगे, और आलू फ्राई किए वो भी डाल देंगे, और इसी तरह से फिल कर देंगे अपने पॉकेट को, और सभी पॉकेट्स को हम इसी तरह फिल करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है। सभी ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम थोड़ी सी टॉपिंग कर देंगे मेयोनेज़ से। तो हमने एक छोटे से कोन में डाल दिया है मैंने उसको, और ऊपर से मैं टॉपिंग करने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़रा अच्छा डिज़ाइन बन जाए। तो खैर कोई बात नहीं है। तो हमारा ये ब्रेड पॉकेट बनके तैयार हो गया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। तो मैं इसी तरह की इनोवेटिव रेसिपी लेकर के आती रहती हूँ। फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और ये सीधी सादी यूनिक सी प्यारी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब ज़रूर बनाइएगा। Thanks for watching, friends.